आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। जी हिंदुस्तान ने बार बार आपको कहा कि ये किसान आंदोलन नहीं है, अराजक तत्वों का आंदोलन है। जी हिंदुस्तान ने बार बार वो सबूत दिखाया आपको जो चीख चीख कर कह रहे थे कि ये खालिस्तानी है, किसान नहीं है। जी हिंदुस्तान बता रहा था कि महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, कल भी महिला सिपाही के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई है। वो सारे सबूत जी हिंदुस्तान ने आपके सामने रखे जिससे ये साबित होता था कि ये किसान आंदोलन नहीं है, और उन सब की तस्दीक कल 26 जनवरी को हुई। जो बात जी हिंदुस्तान ने कही वो बात क्या किसान नेताओं को नहीं पता थी? क्यों ना कहा जाए कि ये इनकी शह पर हुआ है। अब बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है वो भी आप जान लीजिए। अहम खबर ये है कि दिल्ली में कल की हिंसा के बाद अब खालिस्तानी समर्थक ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। कल ही सस्पेंड कर दिए गए ये ट्विटर अकाउंट। भारत विरोधी एजेंडा चल रहा था इसके अंदर, कैनेडा यूके इन तमाम जगहों से ये ट्विटर अकाउंट चलाए जा रहे थे, कल सस्पेंड कर दिए गए। जो मकसद था, जो मंशा थी वो पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली हिंसा के बाद ये ट्विटर की कार्रवाई है, सस्पेंड किए गए हैं अकाउंट, और कल ही इन ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया गया। ये खालिस्तानी ट्विटर अकाउंट थे और खालिस्तानी एजेंडा इस किसान आंदोलन में शुरू से लेकर के अब तक जो भी सामने आया वो तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई। किस तरह से भिंडरावाला का पोस्टर लहराया जा रहा था और किस तरह से जगतार सिंघावाला सिंघू बॉर्डर के ऊपर बना हुआ था हीरो। एक और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, दिल्ली हिंसा के मामले में अब तक 22 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली के अलग अलग थाने में हिंसा को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई। ये बड़ी खबर, हिंसा में 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई गंभीर रूप से घायल हैं। 8 बसें, 17 गाड़ियां, 4 कंटेनर तोड़ दिए गए। उत्पात जो कल हुआ है उसकी तस्वीर भी जी हिंदुस्तान इस वक्त आपको दिखा रहा है। और राकेश टिकैत का क्या कहना है वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि जी हिंदुस्तान पर राकेश टिकैत बेनकाब अब हो चुके हैं। ट्रैक्टर मार्च से पहले लोगों को भड़काते हुए दिखाई दिए राकेश टिकैत, लोगों को झंडा और डंडा लाने के लिए राकेश टिकैत कह रहे थे, और वही डंडा लहराया भी जा रहा था बाद में। क्या कहा था उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा, झंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रख यो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस। अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। तो सुन लिया आपने राकेश टिकैत को, लेकिन आपको एक बार फिर से हम सुनाते हैं राकेश टिकैत ने क्या कहा, और इस बार आप गौर से सुनिएगा भड़का किस तरह से रहे थे आंदोलन के पहले ही राकेश टिकैत, आप पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे। सुनिए फिर से। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा, झंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रख यो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस। अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। झंडा ले आना, अपना लगा देना, डंडा लेकर के आना। सुना राकेश टिकैत की ये बात आपने, और शुरू में ही दंगल की शुरुआत में ही मैंने कह दिया था क्यों ना कहा जाए ये सब इनकी शह पर हुआ। जिस वक्त दंगाई उत्पात मचा रहे थे उस वक्त राकेश टिकैत कहाँ थे, आगे आगे अगुवाई करते हुए क्यों नहीं चल रहे थे, एक बार भी चेहरा राकेश टिकैत का दिखाई क्यों नहीं दिया। मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए मेरे साथ, उनका भी हम सीधे रुख कर लेते हैं। मेरे साथ रमन और मनोहर सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा राजीव, ऋतिका, अभिषेक मेरे साथ लाल किले से है, और मेरे साथ गाजीपुर से प्रत्युष जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके पहले डीएनडी की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, किस तरह से लंबा जाम डीएनडी के ऊपर इस वक्त लगा हुआ है, क्योंकि रूट तमाम बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया रास्ता। अभी भी कई जगहों पर हालात नियंत्रण में करना बाकी है पुलिस को, और उसके पहले आज क्योंकि दफ्तर खुल गए हैं, बुधवार का आज दिन है, सुबह का यह समय पीकार होता है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, और अमूमन हर रोज भीड़ दिखाई देती है, और उसके बाद जब जगह जगह रूट बाधित हो तो फिर ये जो लंबी कतारें आम लोगों की दिखाई दे
रही है सड़कों के ऊपर, ये जरा आप देख लीजिए। और ये भी आप समझ लीजिए कि ये तस्वीर आज पहले दिन की नहीं है, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है उस दिन से आप लोगों को दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है सड़क खाली कर दो, बैठ करके सड़क के ऊपर आंदोलन नहीं किया जा सकता है, किसी निर्धारित स्थान पर चले जाओ। वो तब भी नहीं माने, वो अब भी नहीं माने। जब दिल्ली को बंधक बनाया गया था तब भी किसी की नहीं सुनी, और जब लाल किले को बंधक बनाया तब भी किसी की नहीं सुनी। अब आप लोगों की दिक्कतों से जुड़ी हुई ये आपको डीएनडी की तस्वीर इस वक्त हिंदुस्तान दिखा रहा है। दूर तक लंबी गाड़ियों की कतारें आपको दिखाई दे रही है। तो दिल्ली वालों को इन किसानों के चलते, दंगाइयों के चलते, उत्पातियों के चलते जो परेशानी हो रही है वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। तो ये डीएनडी की तस्वीर मैंने आपको बताई, और अलग अलग जगहों पर क्योंकि मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तो उनका भी हम रुख कर लेते हैं, और अभी की जो मौजूदा स्थिति है वो भी हम जान लेते हैं। प्रत्युष का सबसे पहले मैं रुख करूंगी, गाजीपुर पर प्रत्युष मौजूद है। प्रत्युष, ये राकेश टिकैत आग लगाने के लिए आंदोलन के पहले भी नजर आते हैं, जब आग लग जाती है तब बाद में भी नजर आ जाते हैं, लेकिन जिस वक्त हालात बिगड़ रहे होते हैं उस वक्त कहीं नजर नहीं आते राकेश टिकैत। शालिनी, कल यही सवाल हमने भी सुबह पूछा था कि कहाँ है वो नेता, कहाँ है राकेश टिकैत, कहाँ है योगेंद्र यादव, कहाँ है दर्शन पाल, ये तमाम नेता इस वक्त कहाँ है जब सड़क पर तांडव, उत्पात और उपद्रव मच रहा है, जिसकी देखिए निशानी दिल्ली में कई जगह पर आपको उसी तरीके से बिखरी हुई नजर आएंगी। आज वो तमाम नेता अपने बयानों से पलट रहे हैं। ये वही राकेश टिकैत है जो कह रहे थे कि लाल किले पर जाएंगे, जलवा दिखाएंगे। ये वही योगेंद्र यादव है जो कहते थे कि ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण वो मार्च होगा। सारे की सारी बातें सिर्फ कोरी बातें थी, कई लोग कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ एक छलावा, एक धोखा था, मंशा इनकी कुछ और थी। और आज सारा ब्लेम जो है आप अचानक से आकर के एक पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर अब डाल देते हैं, यानी कि आप लोगों की अगुवाई कर रहे हैं और अचानक से कोई आता है और पूरे किसान आंदोलन को हाईजैक करके आपके हाथ से ले जाता है। हाँ। आप कर क्या रहे होते हैं? कल आपने देखा कोई भी तस्वीर उस ट्रैक्टर आंदोलन के दौरान कोई भी नेता सामने नजर आया उस ट्रैक्टर परेड को लेकर के, जो कह रहे थे कि हम जाएंगे ट्रैक्टर परेड में, कोई नेता सामने नजर नहीं आया। जब तांडव मचा, जब लोगों ने कहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये किसान है कि क्या है, तब इन लोग को लगा कि अब मामला बिगड़ ना जाए। दीप सिद्धू के ऊपर अकेले ठीकरा ये नहीं फोड़ सकते हैं। दीप सिद्धू बड़े दिन से इस किसान आंदोलन में एक्टिव था, और उस वक्त आखिर इसको बाहर क्यों नहीं निकाला गया? बीच में कुछ वक्त के लिए निकाला गया था क्योंकि सितंबर में दीप सिद्धू ने ये कहा था कि वो इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं, बाहर निकाला गया। लेकिन अभी ट्रैक्टर रैली के पहले दीप सिद्धू एक्टिव था। ये तस्वीरें आप देखिए, कल की गुंडागर्दी की तस्वीरें देखिए, इन खालिस्तानियों की तस्वीरें देखिए, इन आतंकवादियों की तस्वीरें देखिए, और ये सारी बात पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही हूं, क्योंकि कल की इस हुड़दंग के बाद भी ये आप देखिए किस तरह से तड़प रहा है ये जवान, किस तरह से तड़प रहा है। किसानों की अगर मौत हो रही है और उनकी जान की अगर कीमत है, तो क्या हमारे जवानों की जान की कीमत नहीं है? बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, लाल किले के अंदर सभी सीसीटीवी फुटेज को दिल्ली पुलिस ने देखना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर, अब दंगाइयों को चिन्हित कर रही है दिल्ली पुलिस, ये बड़ी खबर। और सभी चिन्हित दंगाइयों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इस बार कॉम्प्रोमाइज किया गया तो फिर ये मैसेज गलत जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है आपको, हम बता रहे हैं लाल किले का एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है दिल्ली पुलिस। मेरे साथ लाल किले से इस वक्त राजीव, ऋतिका, अभिषेक मौजूद है, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। अभी लाल किले में तस्वीर क्या है वो भी जरा हम तक पहुंचाइए। आसपास क्या वहां के जो लोग हैं सोच रहे हैं, और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगालने की तो बात सामने आ ही चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल शालिनी, देखिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू हो चुके हैं, एक एक चेहरे को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने कल राजधानी दिल्ली में बवाल काटा, उत्पात किया, क्योंकि तस्वीर बेहद ही शर्मसार कर देने वाली थी। और देखिए लगातार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो दावा इन किसान नेताओं की तरफ से किया जा रहा था कि इस बार का गणतंत्र ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक तो हुआ लेकिन काले दिवस के रूप में हुआ, कल जो काला दिन दर्ज हुआ है उसके बाद यही मांग उठ रही है कि इनकी गिरफ्तारी हो और रासुका के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से लाल किले पर देखिए अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। एक कतार में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस को भी तैनात किया गया है। कुछ ही देर में फ्लाई पास्ट भी होगा, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि जो डर का माहौल यहाँ पर पूरे इलाके में जो फैला हुआ है उस माहौल को खत्म करना है, स्थिति को सामान्य करना है और लोगों के बीच में एक संदेश पहुंचाना है कि अब अमन चैन है। राजीव,
देखिए रितिका, मैं एक बात आपको बता दूं, जो राकेश टिकैत कह रहे हैं बार बार कि कुछ लोगों को भड़काया गया और उनको भड़का करके वहां ले जाया गया, तो मैं आपको बताऊं कि यहां पे अगर भड़काया जाता तो कुछ लोग होते। जब दिल्ली में इंटरनेट बंद कर दिया गया था, किसान बाहर से आए थे, ट्रैक्टर बाहर से आए थे, तो दिल्ली के रूटी आंगन कैसे थी, क्योंकि यहां पे लगभग रात के 10 बजे तक लगातार ट्रैक्टर्स आ रहे थे, उनको इस रूट की जानकारी इलाके बाढ़ में कैसे जानकारी थी। ये पूरा प्लान था, ये षड्यंत्र पूरा प्लान था, ये गणतंत्र के दिन गुंडागर्दी करने की पूरी साजिश थी, और ये बड़ी साजिश थी जिसको पूरे देश ने पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे उन्होंने गणतंत्र के दिन हाईजैक कर लिया था लाल किले को। आज भी हाई अलर्ट पे है लाल किला, और आपको दिखा दे, ये तो तस्वीर आप अभी लाल किले के अंदर की देख रहे थे, आपको बाहर की दिखा देते हैं। ये देखिए तमाम यहाँ पर दिल्ली पुलिस के वज्र वाहन, मतलब एंटी रॉयट्स जो यहाँ पर गाड़ियां हैं, और उसके अलावा वाटर कैनन की 20,000 लीटर की जो गाड़ियां, वहां पर आप एक लाइन से देखिए 4-5 गाड़ियां लगी हुई हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अभी स्थिति लाल किले की राजू सामान्य नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर रिस्की है। रमन और मनोहर वहां पर मौजूद है। रमन मनोहर, सिंघू की क्या स्थिति है? बैठक तो आज फिर यहाँ पर होने वाली है। हर बार मैंने कहा है रमन, ये बैठक जब होती है तो उसमें षड्यंत्र की रणनीति बनी है, कभी यह रणनीति नहीं बनी कि सरकार के साथ किस तरह से समाधान निकाला जाए। रमन, एक बार फिर से आज रणनीति बननी है देश को हिलाने की, दिल्ली को दहलाने की। देखिए बिल्कुल, और यही बात सबसे लगातार हम लोग बता रहे हैं कि ये चाहते ही नहीं थे कि इस किसी हल की तरफ बढ़े, क्योंकि सरकार लगातार लचीला रुख अपना रही थी। सरकार क्लॉज बाय क्लॉज बात करने के लिए तैयार थी, कानून होल्ड पर डालने के लिए तैयार थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 जनवरी का जो आपका ट्रैक्टर मार्च है, अगर उसे कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है तो उसे छोड़ दीजिए। सरकार लगातार कहती रही कि आप ताकत प्रदर्शन मत कीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए, गणतंत्र दिवस है, लेकिन ये नहीं माने, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टकराव चाहते थे। और ये बात सिर्फ साफ हो गई है कि किसान आंदोलन ये कभी था ही नहीं, और नहीं ये किसान आंदोलन अब है, ये सिर्फ लोगों का आंदोलन है, और इसमें कुछ चंद नेता ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक जमीन बनाना चाहते हैं इस आंदोलन के जरिए, और इसीलिए इस पूरे आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं, और इसीलिए ये गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। कल हम टीकरी बॉर्डर पर थे, वहां जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पूरी धैर्य के साथ उन्होंने काम किया, वो बैठ गए, हाथ जोड़कर बैठ गए कि आप वापिस जाइए, उस रास्ते पर जाइए जो रास्ता तय हुआ है, लेकिन ट्रैक्टर चला दिए गए, तलवारें निकाली गई, बाले निकाले गए, देसी बम मारे गए, तो ये इनका शांतिपूर्ण आंदोलन था। सारे नेता वहां मौजूद थे जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी, शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन किसान ने जवान की जान लेने की कोशिश की, और वो हर तस्वीर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, वो हर तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से लाठी डंडा तलवार गडासा जो हाथ में था पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया, जवानों को मारने की कोशिश की गई। ये डीएनडी की तस्वीर बार बार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली को बंधक बनाया गया है। टिकरी का मैं रुख करूंगी, सुमित वहां पर मौजूद है, लेकिन बड़ी खबर उसके पहले की जो मिल रही है वो सबसे पहले दर्शकों को बताना जरूरी है। यह अहम खबर, वायरल वीडियो पर राकेश टिकैत अब सफाई दे रहे हैं। जो वायरल हो रहा है वीडियो उसके ऊपर सफाई टिकैत ने माना, वायरल वीडियो उन्हीं का है, झंडे डंडे वाली बात को टिकैत ने मान लिया है, और वही वीडियो सबसे पहले हमने आपको दिखाया था दंगल की शुरुआत में, वही वीडियो जी हिंदुस्तान ने आपको दिखाया था। अब सफाई राकेश टिकैत की, और इसके साथ एक्सेप्टेंस भी कि हाँ ये वीडियो मेरा। एक बार फिर से आप देखिए और सुनिए राकेश टिकैत ने कहा क्या इस वीडियो में, सुनिए। हाँ बताओ हाँ, हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगेगा उसमें, बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है, मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, मुझे वो हुनर बता दो। अरे जब तिरंगा झंडा कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं किसी ने, वो बता रही बात। हाँ भड़काओ कर रहे टीवी चैनल वाले, मैं वो कर लग रहा, भड़का लग रहे, मैं को आतंकवादी हूँ भड़का लग रहा, मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूं, उनकी लड़ाई लड़ता हूं, हिंसक में मेरा कोई विश्वास नहीं है। ये बातें बनाना राकेश टिकैत बड़ा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैं किसान हूं के भेस में मैं नेता हूं, पीछे से उनको ये कह देना चाहिए, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है। इन्होंने कहा कि झंडा और डंडा लेकर के आना, अपना झंडा लेकर के आना, अपना झंडा क्या होता है इस देश में, हर आदमी का अपना अपना झंडा होता है क्या, अपना अपना संगठन होता है क्या, और उन सबका झंडा लाल किले पर फहरा दिया जाएगा क्या। सुमित का मैं रुख करती हूँ, मेरे सहयोगी सुमित और नेहा टिकरी पर इस वक्त मौजूद है। नेहा, कल आंसू गैस के गोले जब दागे गए थे आप वहीं पर मौजूद थी, आपने आपने झेला है उन तमाम बातों को झेला है नेहा, और शुरू से जी हिंदुस्तान ने जब कहा नेहा कि महिला कर्मी जो वहां पहुंच रही है, हमारी रिपोर्टर्स पहुंच रही है, उनके साथ अभद्रता हो रही है, किसी के कान में जू नहीं रहेंगी, कल महिला पुलिस वाली के साथ वहां पर अभद्रता की गई है, उसके साथ छेड़खानी
निशाने की गई है नेहा, और बार बार जो बात हमने कही थी उसके ऊपर कल मुहर लग गई है, कल मुहर लग चुकी है। नेहा अभी की स्थिति क्या है बताइए टिकड़ी की। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जा रही है, यहाँ पे सुरक्षा बल ज्यादा से ज्यादा संख्या में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से लगातार सुमित हम दिखा भी रहे थे, अभी कुछ दूर आगे ही कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ हम चल भी रहे थे जो आगे पहुंच रहे थे, यानी कि यहाँ पे कड़ी से कड़ी निगरानी सुरक्षा बलों की यहाँ पे की जा रही है, जिससे कोई वैसी दुर्घटना ना घटे जो कि फिर से माहौल खराब बन जाए, जिस तरीके से कल हम लगातार देख रहे थे। और कल की स्थिति का असर शालिनी आपको बताएं कि यहाँ जो आम लोग हैं, जो यहाँ आसपास लोग हैं, वो भयभीत हो गए थे कि उनके घरों तक वो सारी चीजें पहुंच रही थी, खास तौर पे हिंसक तो जो चीजें थे उनके घर तक पहुंच रही थी, वो डरे और सहमे हुए थे। उनको उनके सुरक्षा के लिए यहाँ पे भी पुलिस की तैनाती हुई है कि कम से कम आम लोग दहशत में ना रहे। तो माहौल बिल्कुल वैसा हो गया, डर दहशत जैसे शब्दों का सही से इस्तेमाल करना सही रहेगा। और देखिए सुरक्षा बलों की लगातार आप जिस तरीके से देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल जा रहे हैं, और अभी ज्यादा से ज्यादा सुमित यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही है। 15 अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने की बात कल ही सरकार ने साफ कर दी थी, और तस्वीर आपको दिखाएं कि बीएसएफ टिकरी बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की तैनाती कर दी गई है, यानी कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहां हो गई है। और कल जिस तरह से प्रतियोगियों का तस्वीरें भी हम देखेंगे कि आज की क्या तस्वीर है, लेकिन कल वाली जो तस्वीरें देख लीजिए, हुड़दंग मचाते हुए किसान आपको यहां पर दिखाई देंगे। ये जो ट्रैक्टर वाले किसान की बात राकेश टिकैत कह रहे थे ना, आप देख लीजिए किसका प्रतिनिधित्व वो करते हैं। हर तस्वीर जी हिंदुस्तान आप तक पहुंचा रहा है, और ये बातें जी हिंदुस्तान को पहले से पता थी, हमें पता थी, तो क्या किसान नेताओं नहीं पता थी क्या? मेरे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए मेरे साथ, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, और शिवसेना समर्थक विक्रम यादव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी शुरुआत आपके साथ कर रही हूं, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, मुझे पता है एक हिंदुस्तानी की तरह अगर आज आप जवाब देंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। वो सारी बातें जो चीख चीख के इसके पहले मैंने कही थी, वो सारी तस्वीरें जो अलग अलग बॉर्डर से हमने पहुंचाई थी आप तक, कल भी भिंडरावाला की तस्वीर ट्रैक्टर पर दिखाई दी है राहुल लाल, यही तो कह रहे थे ना हम कि खालिस्तानी हो चुका है ये आंदोलन। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान के एक्टिव है, खालिस्तानी ट्विटर हैंडल एक्टिव है। अब आंख खुली, दिमाग खुला। शालिनी जी आपके सारे आरोप सही है, मैं तो यही तो सोच के आश्चर्यचकित हूँ कि जी हिंदुस्तान इतने लंबे समय से खुलासे कर रहा था, और सरकार कौन सी चीर निंद्रा में सोई हुई थी। आप उस समय से ही आप लोग लगातार डे वन से, अब तो ये आंदोलन का 63वां दिन है, प्रथम दिन से ही आप लोग लगातार इसको कवर कर रहे थे। वहां पे इस तमाम रिपोर्टों को जी हिंदुस्तान ने दिखाया, क्या उन लोगों के ऊपर इसके पहले भी, कल के घटनाक्रम के पहले भी सरकार ने कोई कार्रवाई की? नहीं की। इस आंदोलन में जो लोग अराजक तत्व वहां पे घुस के निकल जा रहे थे, उसके ऊपर सरकार के द्वारा और दूसरी जांच एजेंसियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इससे स्पष्ट है कि कहीं कहीं उन लोगों को बचाने का प्रयास सरकार ही कर रही थी। राहुल लाल जी इतनी देर से आपने जो बातें कही राहुल लाल, एक शब्द तो उसमें कह दिया होता कि शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है इन किसानों के ऊपर, मैं शर्मिंदा हूं जो इतने दिन तक इनका बचाव कर रहा था, एक लाइन ये भी जरा जोड़ दी होती। अगर पता है आपको कि ट्विटर हैंडल पाकिस्तानी एक्टिव है, खालिस्तान इसमें घुसा हुआ है, तब भी आप जिद करेंगे? देश का शर्म सर से, देश का जो सिर है वो शर्म से झुकाने के लिए आप जिद करेंगे कि मैं निकालूंगा ट्रैक्टर रैली? शालिनी जी लाखों ट्रैक्टर थे, केवल दिल्ली के भीतर 5% लोग गलत आने से बिल्कुल गलत आया। और मैं ये 1% लोग हैं राहुल लाल, 1% लोग हैं लाल किले पर जो चढ़े थे, वो 1% लोग थे राहुल लाल। मैं वही तो बता रहा हूँ, बिल्कुल आंदोलन काफी बड़ा आंदोलन था, ये 1% जो लोग थे, ये बीजेपी के द्वारा जो लोग आंदोलन को बदनाम करने थे, इन लोगों ने असामाजिक तत्व भेजे थे। दीप संधू का नाम आप देख लीजिए कहाँ कहाँ नहीं फैला हुआ, मतलब आपको पता था ना राहुल लाल, आपको पता था ना असामाजिक तत्व है, आप जानते थे ना पहले से? पहले से क्या, देखिए किसानों ने आप देख लीजिए कल भी जो जिस क्षेत्र में उन्होंने आंदोलन किया। राहुल लाल एक तरफ रहिए, पहले तो आप एक तरफ रहना सीख लीजिए, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आप हिंदुस्तानी की तरह बात करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने कहा था राहुल लाल असामाजिक तत्व है, ये आप जानते थे ना, जी हिंदुस्तान बता रहा है, आप कबूल रहे ना? मैं बिल्कुल कबूल रहा हूँ, उसके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसानों ने तो देखिए बार बार। अरे राहुल लाल जी, आप हिंदुस्तानी की कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं होती है? मुझे पता है कि मेरे घर में खालिस्तान घुस चुका है, मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा है, बावजूद इसके मैं ट्रैक्टर रैली निकालूंगी? क्या मैं निकालूंगी? हिंदुस्तानी होने के नाते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? राहुल लाल आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये बताइए
जब भी भारत में इस तरह की कोई भी घटनाक्रम होती है, विदेशी शक्तियां एक्टिव हो जाती है, तो उनको यहाँ के आंदोलनों को उस विदेशी शक्ति को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी किसानों की है या देश के एजेंसियों की है? शर्मनाक, एक शब्द कहूंगी राहुल लाल, शर्मनाक। जब से बोलना आपने शुरू किया है तब से लेकर के अब तक राहुल लाल, जब से बोलना शुरू किया है, एक बार अगर आप कह देते कि हाँ गलती हुई है, मुझसे भी गलती हुई है जो पिछले 60 दिन से बैठ करके टीवी चैनल पर इन्हीं लोगों को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं शिवम त्यागी आपके पास मैं आ रही हूँ। सब कुछ पता था, सब कुछ दिखाया था, हिंदुस्तान ने बताया था, हर एक तस्वीर खोल करके हमने रखी थी। सरकार को नहीं पता था ये होने वाला है? आप नहीं जानते थे? शालिनी जी, सरकार ने हर वो प्रयास किया कि किसी भी तरीके से 26 जनवरी को ये ना हो, हर वो प्रयास किया गया, कृषि मंत्री द्वारा किया गया। राहुल जी, ये डिबेट स्टूडियो की नहीं है, मैं आशा करता हूँ आप मुझे सुनेंगे, मैं आपको बड़ी शालीनता से सुनता था। प्लीज सुन लीजिए राहुल जी, मैं कहता हूँ ये स्टूडियो की डिबेट नहीं है, यहाँ पर अगर चिल्लाएंगे तो एक दूसरे की आवाज नहीं जाएगी। जब आप बोल रहे थे मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था, मुझे एक मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा, इससे कोई फायदा नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, सरकार ने हर वो प्रयास किया, किसानों के सामने हाथ भी जोड़े। आपको याद होगा ब्लैक लाइव मैटर में एक जगह पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स के सामने बैठ गए थे घुटना टिकाकर, पूरी दुनिया में वो तस्वीर वायरल हुई थी। मेरे देश की 80-90% जितनी भी सेलिब्रिटीज है सबने उसको इतनी तारीफ की। अरे ये दिल्ली पुलिस कल आपके सामने भीख मांग रही थी साहब, बैठी हुई थी आपके सामने, बैठ गई थी, देखना किसी एक ट्विटर पर। शिवम त्यागी, संवेदना अच्छी बात है, मैं उसकी कद्र करती हूँ और सम्मान करती हूँ, लेकिन खालिस्तानियों के सामने घुटने टेकने का सम्मान मैं नहीं कर पाऊंगी। शिवम त्यागी, इन्हें किसान आप कह रहे हैं, किसानों के सामने हाथ जोड़ना अलग बात है, खालिस्तानियों के आगे घुटने टेकना अलग बात है। शिवम त्यागी, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि किसी के आगे भी घुटने नहीं टेकने चाहिए, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आपको कि हिपोक्रेसी लेवल देखिए, इस देश की पुलिस, इस देश की सरकार, इस देश के लोग लगातार ये कहते रहे कि किसी भी तरह से 26 तारीख को ये नहीं होना चाहिए। आप इस स्थिति को थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए। शिवम त्यागी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बात को फिर से मेरी एक बार सुन लीजिए कि इन खालिस्तानियों के सामने घुटने टेकने की वकालत में नहीं कर पाऊंगी, इनसे इनके सामने बैठ करके गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक पुलिस वाले को मारा गया है, लठ से मारा गया है, तलवार से मारा गया है, अपने देश की सेना के शौर्य, और वो भी 26 जनवरी के दिन। विक्रम यादव जी, आपका रुख कर रहे हो, दिल्ली जैसी तस्वीरें मुंबई में दोहराना चाहते हैं आप लोग? शालिनी जी, इसमें मैं तो सरकार की पूरी कमी मुझे तो नजर आ रही है। विक्रम यादव जी, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, सरकार को भी पता था और सबको पता था कि भाई आंदोलन के अंदर कुछ असामाजिक तत्व है, तो सरकार ने क्यों नहीं पहले से इस चीज को अपने उसमें लिया। और अगर सरकार संगठनों वालों से, किसान संगठनों से इतनी बार बातचीत कर चुकी, अभी बातचीत करनी चाहिए, उनको कहना था भाई आप लोग आगे रहना, आप लोग नेतृत्व करना, उस हिसाब से इनको रूट देने चाहिए थे, कहीं इनके रूट बदल दिए, कहीं इनका कुछ कर दिया, तो आप लोगों की है, तो सब पूरी सरकार की कमी है। देखो किसान अगर उद्यम करना तो महाराष्ट्र के अंदर हजारों हजारों किसान आए हैं। विक्रम यादव जी, मुझे समझ में आ गया, ये सरकार की जिम्मेदारी है और मुंबई में ये तस्वीर दोहराने की पूरी साजिश है, इसे मैं साजिश कहूंगी। विक्रम यादव, आपकी भी साजिश, उस हर शख्स की साजिश जो आज तक बैठ करके इन किसानों की वकालत करता रहा। ये किसान है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ये निर्धारित आप खुद कीजिए। मुंबई में भी ये तस्वीर दोहराने की कोशिश है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है। बड़ी खबर उसके पहले मिल रही है, ब्रेक के पहले इस वक्त की अहम खबर, लाल किले पर उपद्रव को लेकर के गृह मंत्रालय गंभीर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उपद्रव करने वालों पर सख्त एक्शन के निर्देश अब दे दिए गए हैं, हिंसाग्रस्त इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है, जरूरत पड़ने पर और भी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हिंदुस्तान आपको बता रहा है। लाल किले पर उपद्रव जिन लोगों ने किया है, अब सख्त एक्शन उनके ऊपर। जैसे कि लगातार हमारे सहयोगी और हम लगातार कल का मंजर दिखा रहे हैं, जो दिल्ली में अहिंसा की तस्वीर देखी गई, जो हिंसा की तस्वीरें दिल्ली में देखी गई, और जो 7-7 मार्च निकाला गया, अब जगह जगह के प्रत्युष जो सीसीटीवी कैमरा है उनको खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है। कई किसान नेता पुलिस के अब रडार पर है, सिंघू पर, टिकरी पे, दोनों जगह फोर्सेस बढ़ा दी गए है। लिहाजा ऐसे में राकेश टिकैत का वायरल वीडियो जिसमें वो कह रहे की लाठी डंडे लेकर के आना, और प्रत्युष इससे पहले कई बार राकेश टिकैत ऐसा ऐलान अपने गाजीपुर बॉर्डर पर कर चुके हैं कि गोला लाठी लेकर के हम लोग को पहुंचना है, जब भी पुलिस हमें कहीं रोकने की कोशिश करेगी तो प्रत्युष, लिहाजा ये माना जाए कि किसान
भरने का काम राकेश टिकैत ने किया है। देखिए राकेश टिकैत इससे पहले भी कहते रहे कि देखिए दिल्ली तो हम जाकर रहेंगे, बोले लाल किला जाने में क्या दिक्कत है, क्या किसान शामिल नहीं हो सकता। ये वही राकेश टिकैत है जो कहते थे कि भाई किसान तो जाएगा, कोई रोक सके तो रोक लो। वो ये भी कहते थे कि भाई गोली चला लो या कुछ भी कर दो, किसान मरने मरने को भी तैयार है, कुर्बानी देने को भी तैयार है। कई किसान नेता ये कहते थे, बार बार हम यही बात कहते थे कि ऐसे भड़काऊ बयान देने की आवश्यकता क्या है। आप बार 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 यही कहा जाता था कि आखिर ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान आप देते क्यों है। वो कहते थे कि साहब ये भड़काऊ बयान नहीं है, ये तो हम ये सरकार को कह रहे हैं कि आप ऐसे ऐसा कुछ भी ना करो ताकि किसान जो है वो रिएक्ट करे। लेकिन कल के केस में जो दिखा, यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस वाले और फोर्सेस उनको समझा रही थी, हाथ जोड़ के विनती कर रही थी कि आप आगे ना बढ़े, उनको धकेलते हुए उन पर हमला करते हुए हर जगह बैरिकेड तोड़ करके ये किसान आगे बढ़ रहे थे। कल हर्षा, कल पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया, क्योंकि जिस तरीके से कल उपद्रव हर बैरिकेड पर हो रही थी, अगर पुलिस ने अगर कड़ा रुख अख्तियार किया होता तो शायद कल कुछ बहुत ज्यादा बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था। बिल्कुल प्रतिशा, बिल्कुल ठीक है, अगर पुलिस जाती तो इन्हीं की तरह से जवाब दे सकती थी, इनको खदेड़ सकती थी। लेकिन अन्नदाता पर किसी तरह से भी डंडे का उपयोग पुलिस ने पहले नहीं किया, पहले हिंसा शुरू की किसानों ने तलवारों से हमला किया, रोड से हमला किया, धारदार हथियार से हमले किए, बैरिकेटिंग तोड़ी, पत्थरबाजी की, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। और देखिए लगातार हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन लाल किले से हमारे सहयोगी ऋतिका अभिषेक और राजीव भी मौजूद है। ऋतिका अभिषेक राजीव, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब कुछ सवाल जो है ना दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस पर भी उठने लगे हैं राजीव भाई। देखिए दिल्ली पुलिस के पास पहले से ही ये जानकारी थी कि इस तरीके की गतिविधि हो सकती है, लाल किले को टारगेट किया जा सकता है, राजपथ को टारगेट किया जा सकता है, पीएम हाउस को टारगेट किया जा सकता है, राष्ट्रपति भवन को टारगेट किया जा सकता है, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक को टारगेट किया जा सकता है। उसके बाद आप बताइए इंटेलिजेंस और लोकल इन्फॉर्मेशन यूनिट जो है दिल्ली पुलिस की, उनके पास अब चिट्ठी एक वायरल हो रही है कि इनके पास पहले से ही ये जानकारी थी और पुख्ता जानकारी थी, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया। आखिरकार में क्या दिल्ली पुलिस को उन किसान नेताओं द्वारा एग्रीमेंट किया गया था उस पर ज्यादा भरोसा था क्या? देखिए दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं हल्के में ले रही थी किसानों का आंदोलन को पूरे तौर पर। जो डिप्लॉयमेंट ये अभी दिख रहा है लाल किले पे, अगर ये कल होता यहाँ पे तो कल जो हरकतें यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं होती। कल पुलिस बिल्कुल विवश थी, वो बिल्कुल हाथ जोड़े के मुद्रा में थी यहाँ पे, और उपद्रवी नंगा नाच कर रहे थे, उनको जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे, लगातार ट्रैक्टरों का हुड़दंग कर रहे थे, लगातार तलवारबाजी कर रहे थे, लगातार झंडे फहरा रहे थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे। पूरा लाल किले को उन्होंने अखाड़ा बना लिया था और उस पर नंगा नाच कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, देखिए शुरुआत से ही इनपुट्स लगातार यहाँ पर मिल रहे थे, और आईबी के जरिए ये भी कहा जा रहा था कि जो खालिस्तान आतंकी संगठन है वो किस तरीके से यहाँ पर सक्रिय है, और वो पूरा संगठन इंतजार कर रहा है कि जब गणतंत्र परेड होगी तो किस तरीके से यहाँ पर माहौल को खराब करना है। लेकिन इन तमाम इनपुट्स के बावजूद कल जो सुरक्षा हमने देखी वो आज के मुकाबले बेहद कम नजर आई, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लगातार डिप्लॉयमेंट यहाँ पर सुरक्षा बलों का हो रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि जगह जगह कर जब सुरक्षा बलों की तैनाती होगी तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अब कल की तस्वीर ना दोहराई जाए। लेकिन अगर बात मैं बताऊं आपको कि कल 26 जनवरी के दिन जो तमाम सरकारी और लाल किले पर उपद्रव को लेकर के गृह मंत्रालय बेहद सख्त नजर आ रहा है। बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है आपको हम बता रहे हैं, गृह मंत्रालय अब गंभीर दिखाई दे रहा है, उपद्रव करने वालों पर सख्त एक्शन के निर्देश अब दे दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर, सख्त एक्शन लो जिसने भी उपद्रव किया। इसके अलावा हिंसाग्रस्त इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी तय कर दी गई है, जरूरत पड़ने पर अभी और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कल के लाल किले की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो जी हिंदुस्तान ने ड्रोन से ली थी। उसकी वजह यह थी कि पूरे लाल किले को एक साथ एक तस्वीर में आपको हम दिखा सके कि किस तरह से कब्जा करने की कोशिश लाल किले के ऊपर की गई है। और देखिए प्राचीर के ऊपर चढ़ करके वहां किस तरह से उपद्रवी बैठ गए लाल किले की। लेकिन बड़ी खबर यह कि अभी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। मेरे सहयोगी मौजूद है लाल किले पर, राजीव, ऋतिका, अभिषेक तीनों वहीं पर मौजूद है, उनका हम सीधा रुख कर लेते हैं। राजीव और अभिषेक, अभी फिलहाल मुझे आप ये बताएं, गृह मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है, आगे एक्शन के लिए क्या कुछ कहा गया है? अभिषेक Yeah.
बिल्कुल देखिए, गृह मंत्रालय सख्त है और हाई लेवल मीटिंग भी अभिषेक बुलाई गई है, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दिखा दिए क्योंकि यहाँ पर देखिए डीटीसी बसों के जरिए किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। जो मेन गेट है लाल किले का, यहाँ पर 10 डीटीसी बस तैनात की गई है और इन्हीं बसों के जरिए यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। डिप्लॉयमेंट लगातार यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है राजीव, इस लिहाज से कि आज किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, माहौल खराब ना हो, क्योंकि इनपुट्स शुरुआत से ही लगातार मिल रहे थे। कल जो यहाँ पे हंगामा हुआ उसको कवर अप करने की पुलिस की पूरी कोशिश है। केवल बसेस से ही बैरिकेडिंग नहीं की जा रही है, अंदर जो है एंटी राइड व्हीकल वज्र वाहन और वहाँ पे जो वज्र वाहन वहाँ पे तैनात किए गए हैं और तमाम फोर्सेस की मौजूदगी है। पूरे लाल किला को छापने में तब्दील कर दिया गया है। अब स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अगर मैं कहूँ तो। बिल्कुल राजू, और यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। दो फोर्सेस मुझे यहाँ नहीं दिखाई थी जो कल हमारे साथ आईटीओ पर थी। एक यहाँ पर आईटीबीपी नहीं दिखाई दे रही और दूसरा यहाँ पर आरएएफ नहीं दिखाई दे रही है। रैपिड एक्शन फोर्स जो होती है जिसकी नीली रंग की वर्दी होती है वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर डिप्लॉयड है। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं, अब दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जो इंटेलिजेंस की डीसीपी सीपी इंटेलिजेंस की तरफ से जो चिट्ठी दी गई थी 12:30 बजे, उसमें इन तमाम बातों का उल्लेख था और उसके बाद अगर उस चिट्ठी को इग्नोर किया गया तो दिल्ली पुलिस की कहीं नाकामी है, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस और इनका लोकल दी थी। अभिषेक लौट चुके आपके पास, लेकिन लाल किले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त एक और मिल रही है, वो भी हम दर्शकों को बता दें। लाल किले के अंदर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। सुरक्षा लाल किले की अब और बढ़ाई गई है, अंदर डीटीसी बसों की बैरिकेडिंग की जा रही है। कल भी हमने देखा था ऐसे ही डीटीसी की जो बसें थी उनके जरिए बैरिकेडिंग की गई थी और लाल किले के मेन गेट पर 10 से ज्यादा डीटीसी बसों को लगा दिया गया है। लाल किले का मेन गेट फिलहाल इस वक्त बंद है। अच्छा, ये गेट कल ही बंद कर दिया गया था जब अंदर से सारे उपद्रवियों को बाहर निकाला गया था, उसके बाद जो मेन गेट था वो बंद कर दिया गया था। और चलिए अब रुख कर लेते हैं सहयोगी का मेरे सिंघू पर। रमन और मनोहर इस वक्त मौजूद हैं। रमन और मनोहर, अभी क्या रणनीति बन रही है, सिंघू बॉर्डर की क्या तस्वीर है और दहशत में जो आम किसान है वो तो जरूर होगा वहां पर। देखिए बिल्कुल शालिनी, जिस तरह से ये पूरा का पूरा रास्ता है जो कि करनाल बाईपास है ये, और यहाँ पर जगह जगह पे कल की जो पूरी उपद्रव है उसकी निशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जगह जगह डीटीसी बसें यहाँ पर तोड़ी गई थी कल, साथ ही साथ जो बैरिकेड थे वो तोड़ दिए गए थे, रेलिंग्स तोड़ दी गई थी। तो ये सारी तस्वीरें आज भी इस वक्त है, आज भी ये तस्वीर आज भी यहाँ बनी हुई है। उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर भी किसान अभी यहाँ से गए नहीं है, बड़ी संख्या में अभी भी वो मौजूद है और रणनीति उनकी सिर्फ इस बात को लेकर बन रही है कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि उन्हें अब अपना पल्ला झाड़ना है। जो कल पूरा उपद्रव उन्होंने किया है, जो अराजकता उन्होंने की है, इसलिए वो उसे जस्टिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि इस आंदोलन का जो मेन मकसद था वो खत्म हो चुका है और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा और अराजकता फैलाने वाला आंदोलन बनकर रह गया। मनोहर जी बिल्कुल रमन, अब फिलहाल मैं आपको यहाँ सिंघू बॉर्डर की बता दूं कि किसान नेता अब यहाँ पर जुटना शुरू हुए हैं वापस है, और दो बजे जो बैठक करनी है कि कल अगली रणनीति क्या होगी उसको लेकर के चर्चा करेंगे। रमन, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो किसान है वो चर्चा अगली रणनीति के लिए जरूर करें, लेकिन जो कल जो घटनाक्रम है उस पर कोई चिंता जाहिर नहीं कर रहे, उससे पल्ला झाड़ जरूर है, लेकिन आगे की रणनीति बनाई जा रही है, अभी आगे की रणनीति बनाई जा रही है। और देखिए आगे का फिर जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि इनका तो सीधा सा काम है, हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, कुछ बिगड़ गया तो सरकार जिम्मेदार, हम आंदोलन करेंगे, खालिस्तानी घुस गए तो सरकार जिम्मेदार, हम मनमानी करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो आईबी क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। अक्षरधाम पर इस वक्त हर्षा और प्रत्युष मौजूद है, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। प्रत्युष और हर्षा, क्योंकि ये वही जगह है जहां से कल पूरा होते हुए ये ट्रैक्टर मार्च गया था। ट्रैक्टर मार्च भी, हालांकि अब इसे कहना बड़ा गलत शब्द होगा, ये दंगाई थे, ट्रैक्टर पर बैठे हुए दंगाई थे। अभी अक्षरधाम के आसपास की क्या स्थिति है और यहां की तस्वीर रोज जैसी ही नजर आ रही है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शालिनी, जहां पर मैं और प्रत्युष इस वक्त मौजूद है, यहाँ की तस्वीर अगर आपको बताएं तो दो लेन कम्प्लीटली बंद कर दी गई, यानी कि NH24 जो सीधे गाजीपुर से दिल्ली आई की तरफ जो पूरा रास्ता जो आता है उसको बंद कर दिया गया है। शालिनी, पीछे हमारे बैरिकेड आप टूटे हुए नजर जो आ रहे हैं, ये कल वही मंजर है जिस बैरिकेड को तोड़ करके पुलिस वालों पे हमला करके सीधे ये जो किसान है इनको दंगाई, जो आप कह रही है बिल्कुल ठीक शब्द का इस्तेमाल करिए, जो दंगाई है सीधे आई गए थे, लाल किला गए थे। और देखिए पुलिस अब इस जगह का भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, क्योंकि दोनों ही रूट से पूरे पे कम से कम 6 सीसीटीवी कैमरे हैं जिनमें ये पूरी तस्वीरें कैद हुई है दंगाइयों की, किस तरह से उन्होंने धारदार हथियारों से पुलिस कर्मियों पर हमला किया है। देखिए ये जो सड़क है, आम दिन में ये सड़क जो है बिजी रहती है और ये
सीधे आपको यूपी से आपको दिल्ली कनेक्ट करने में ये सबसे मुख्य सड़क इसको मानते हैं, लेकिन देखिए आज क्या स्थिति है सड़क की। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है शालिनी, जो सवाल किया जा रहा है कि राकेश टिकैत शुरू से कहते थे, जब जब हम लोग सवाल पूछते थे कि अगर कुछ होता है तो कहते हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, अगर कुछ बवाल होता है तो पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। और देखिए जब बवाल हुआ तो ब्लेम किस पर जा रहा है, पुलिस पर, प्रशासन पर और पॉलिटिकल पार्टियों पर, कि सब उन्होंने करवाया। तो कल यहाँ पर भी हमने देखा था कि कई लोग अपने हाथ में तलवार लिए हुए थे, जब यहाँ पर बैरिकेड तोड़ा जा रहा था। नहीं अभी नहीं, लेकिन क्या हक है अभी भी बॉर्डर के ऊपर बैठे रहने का? क्या इन्हें हक है? ये वही नेता है जो दावा कर रहे थे कि सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, ये वही नेता है जो कह रहे थे कि हम एक एक आदमी को पहचानते हैं, ये वही राकेश टिकैत जो जानते हैं, जो कहते थे जिसने भी गड़बड़ी की लठ बरसाई जाएगी उसके ऊपर। अब इन्हें क्या आंदोलन जारी रखने का और क्या इन्हें इस तरह की मीटिंग करने की छूट भी दी जानी चाहिए? चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला काम किया है कल दंगाइयों ने, और अगर उन्हें कोई किसान कह रहा है तो फिर वो अपनी शक्ल भी आईने में देख ले। रुख मैं करूंगी सुमित और नेहा का, टिकरी पर दोनों मौजूद है। सुमित और नेहा, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल शालिनी, तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो कल के मुकाबले आज अधिक संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। देखिए पैरामिलिट्री फोर्स की भी यहां अब तैनाती कर दी गई है, तो ऐसे में हर स्थिति से निपटने के लिए अब यहां अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती की गई है वो आगे का जो मोर्चा है वो संभाल रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल जिस तरह से दंगाइयों का दिन था, आज पुलिस का दिन है और एक्शन का दिन है, क्योंकि देखिए अब तक 22 FIR इस पूरे केस में लॉज हो गए हैं और आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ घंटों में इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है नेहा, क्योंकि देखिए देशद्रोह का भी मुकदमा इन तमाम लोगों पे चलाया जा सकता है जो दंगाई थे इस पूरे मसले में, क्योंकि लाल किले पे जिस तरह से उन्होंने झंडा अपना एक झंडा जो फहराया धार्मिक झंडा, वो एक तरह से कहीं ना कहीं देशद्रोह के दायरे में आता है। तो नेहा आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई, बिल्कुल देखिए आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई, और गृहमंत्री का जिस तरीके से नजर बना हुआ है इन सब चीजों पे वो भी देखने वाली बात है। और इसके अलावा जो सबसे अहम सवाल है वो ये होगा कि जिस तिरंगे की आड़ में ये अपने आप को बचा रहे थे, अपने आंदोलन को ये चलाने की कोशिश कर रहे थे, और ट्रैक्टर रैली को जिस तिरंगे की आड़ में ये कह रहे थे कि तिरंगे पे तो वाटर कैनन नहीं चलेगा, वाटर कैनन नहीं चला है, बड़ी सरकार ने रखा है और पर फहरा दिया गया संगठन का झंडा और धर्म का झंडा। शिवम त्यागी आपके पास मैं आ रही हूं, कुछ इंतजार अभी हो रहा है क्या? अभी भी आप कुछ इंतजार कर रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है इन लोगों को? क्या सिंघू बॉर्डर के ऊपर बैठने का हक है? अभी भी आप छूट दे देंगे गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर किसानों को बैठने की? नहीं, बिल्कुल हक नहीं है और मुझे लगता है कि बिल्कुल छूट नहीं दी जाएगी इनको पूरी तरीके से, चाहे वो गृह मंत्रालय हो चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, पूरी तरीके से अलर्ट हो गई। आपने अभी कहा 22 FIR लॉन्च हुई है, अब इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन उनके लिए जिन लोगों ने दो दो महीने बैटिंग की, राहुल लाल जी जैसे लोगों ने, उनके सामने भी ये चीज एक्सपोज होना बेहद जरूरी है, जो आज भी ये कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की ये गलती है। अरे भाई, चार चार पांच पांच दौर की बात तो आपकी पुलिस से हुई थी, जिसको ये आप प्रॉमिस करके आए थे, भरोसा देके आए थे कि सुनिए हम आम ये मार्च आराम से निकालेंगे, आराम से निकाला आपने। 1000 ट्रैक्टर लेके नंगा नाच जो कल आप कर रहे थे, ट्रैक्टरों से स्टंट कर रहे थे, पुलिस वालों पर चला रहे थे, रिपोर्टर पर चला रहे थे, एक केस तो राहुल लाल जैसे लोगों पर भी बनता है, क्योंकि दो महीने से यही लोग तो है जो प्रोपोगेट कर रहे थे, यही लोग तो कहते थे कि हम मार्च क्यों नहीं कर सकते, किसान क्यों 26 जनवरी को मार्च नहीं कर सकता। कर लिया किसान ने 26 जनवरी को मार्च, जिनको आप किसान कह रहे थे वो खालिस्तानी निकले। अब जवाब दीजिए कि ये जो हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि आपके सारे नेता जो लिख कर भरोसा देकर आए थे पुलिस को, वो तो भाग निकले, वो तो स्टेट बोर्ड के नाम पर दीप सिद्धू को गाली दे रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे थे भाई, नेता आप, उनको बुलाने वाले आप, भीड़ इकट्ठी करने वाले आप, मजमा लगाने वाले आप, लोगों को लेकर जाने वाले आप, और जब ये सब दंगा हो रहा था कहां छुपे से हुए थे ये राकेश टिकैत, कहां छुपे हुए थे ये बाकी के सारे लोग, कहां छुपे हुए थे योगी ने उस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया इन सबके। अरे राहुल, अगर आंदोलन को पाक साफ बना करके रखने की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते तो फिर आंदोलन चलाने का हक भी आपके पास नहीं है। आपको पता होना चाहिए था किसान नेताओं को, राहुल लाल शांत हो जाइए, मेरा सवाल सुनेंगे तब जवाब दे पाएंगे। शुरू से लेकर के अंत तक एक घंटा चिल्लाने और भाषण के लिए मैं कभी नहीं बुलाती हूँ आपको राहुल लाल, हर बार इस चीज के लिए मैं टोकती हूँ आपको। सवाल पहले आप सुनिए, अगर इन किसानों के ऊपर अख्तियार
सरकार नहीं था जो किसान भाई वहां पर बैठे हुए थे उन्हीं के बयान पर जाते थे ना ये बात करने के लिए, अगर इनके बस में नहीं था तो फिर वादा करके क्यों आए थे? ये धोखा प्रशासन और पुलिस को राहुल लाल नहीं दिया गया, ये धोखा दिया गया है गणतंत्र को, लोकतंत्र को, तिरंगे को। राहुल लाल शर्मानी चाहिए। अरे कितना शांत, कहाँ शांत भाई, कहाँ शांत। खालिस्तान के नारे वहां लगे, देश के प्रधानमंत्री को गाली देने के नारे वहां लगे, इतना ठोक दी प्रधानमंत्री को भी ठोक देंगे ये नारे वहां लगे, खालिस्तान के झंडे वहां दिखे, हिंदुओं को गाली वहां दी गई, कौन सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था भाई? इसको शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहते हो आप? इतने लोगों को गालियां दी गई, देश को गालियां दी गई, झंडे को गालियां दी गई, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था? राहुल लाल मुझे एक बात बताइए, क्योंकि तस्वीर हम बार बार दिखा रहे हैं, राहुल लाल शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये किसानों का दर्द आपको दिखाई दे रहा है? पुलिस वालों को और जवानों को जो मारा गया है उनकी हत्या की कोशिश की गई है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जवानों के साथ आप नहीं खड़े हैं? इनको सड़क पर पुलिस वाले चाहिए, लेकिन ये झंडे मारेंगे उनको? राहुल लाल को रात को अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले चाहिए, शहर में पुलिस वाले होने चाहिए, इनको हर जगह सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन जब राहुल लाल शुरू से लेकर के अब तक एक मर्तबा आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए, आपकी जबान से ये नहीं निकल गया कि ये खालिस्तानी है और ये आतंकवादी है, ये उपद्रवी है और ये किसानों की आड़ में बैठे थे, इन्हें भोजन कराया जा रहा था हर रोज। विक्रम यादव, बीजेपी के लोगों ने उसमें गिरेबान में झांकने का वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है विक्रम यादव। राहुल लाल आप हिंदुस्तानी हैं। ये 6,000 वोट वाले, इनको क्या नहीं पता था ये किस लिए बैठे हुए हैं वहां पर? सरकार से बात करने हर बार क्यों जाते हैं? जब ये लोग इनकी बात मानते ही नहीं तो बात करने जाते हैं सरकार से भाई? सरकार से बात करने किस के पास इतनी जाते हो? विक्रम यादव यही मैं कह रही हूँ, शांत हो जाइए। राहुल लाल शांत हो जाइए, आपका वक्त खत्म हो चुका है। विक्रम यादव यही मैं कह रही हूँ, पूरे संसार की नजर हमारे देश के ऊपर थी, जो आप कह रहे हैं ना वही बात मैं भी दोहरा रही हूँ, तो पूरे देश के ऊपर विश्व की नजर थी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी विक्रम यादव? अरे हमारी जिम्मेदारी किसान ने कोई उड़नबाजी नहीं की, किसान की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, किसान नेता की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आप क्लीन चिट दे रहे हैं। किसान इकट्ठे हुए हैं महाराष्ट्र में 200-400 किलोमीटर से दूर दूर से तंग करके, मुझे बताइए वहाँ पर। विक्रम यादव सोच तो लीजिए आप क्या बोल रहे हैं, ये देश देख रहा है आपको, देश देख रहा है अराजक तत्वों का, आप किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? किसानों ने नहीं किया, ये किसानों ने नहीं किया, मैं कह रहा हूँ आपको। क्या ये ट्रैक्टर चलाने वाले कौन थे? शिवसेना के कार्यकर्ता भेजे थे क्या उड़दंग करने के लिए? कौन थे? शिवसेना के कार्यकर्ता भेजे थे क्या उड़दंग करने के लिए? अगर ये कौन थे बताइए, कौन थे? कौन थे बताइए ना, कौन थे? राहुल लाल आप गए थे क्या टोपी पहन के कल वहां पर हंगामा करने? बताइए कौन थे ये लोग? शिवसेना के कार्यकर्ता थे क्या? शिवसेना के कार्यकर्ता थे क्या? अगर ये खालिस्तानी थे, ये देशद्रोही थे, ये उपद्रवी थे, ये किसान तो बिल्कुल नहीं थे, ये किसान तो बिल्कुल नहीं थे। जो मेरे देश का झंडा उतार कर फेंकते वो देशद्रोही से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसके लिए दुनिया ने मुझे सहयोगियों का मेरे रुख करना है। शिवम त्यागी, एक सवाल आपसे ले रही हूँ, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मुझे ग्राउंड का रुख करना है। सरकार क्या कर रही है अभी तक? कितने लोगों को आप चिन्हित कर पाए हैं? कितनों के ऊपर मुकदमा कर दिया? कितनों को जेल में डाल दिया? 22 लोगों के ऊपर आपने जैसा कि कहा FIR हुई है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई एक भी व्यक्ति जो भी इसमें शामिल होगा, चाहे वो नहीं, बिल्कुल दिलेरी का काम नहीं है, लेकिन लॉ के थ्रू जाएंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कोई किसान नेता हो, चाहे वो कोई ठेकेदार हो, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो, जिसने भी इस देश के लिए आग लगाने का काम किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो राहुल लाल से लेकर क्या होने वाला है। सबूत तो हिंदुस्तान ने दे दिया था, बावजूद इसके जो ये करना चाहते थे वो करके निकल गए। अब आप कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद लाल किले को जो नुकसान पहुंचाया है शिवम त्यागी वो आप लौटा देंगे, FIR दर्ज करके वो वापस आ जाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। खुद आपको भी सोचने की यहाँ पर जरूरत है। ऋतिका और राजीव अभिषेक जो किया मौजूद है लाल किले पे, उधर का भी जरा मैं रुख कर लेती हूँ, अभी क्या चल रहा है, क्या हलचल है लाल किले पर? जी बिल्कुल, इस वक्त लाल किले पर लगातार फोर्स का डिप्लॉयमेंट है,
जो अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री की फोर्सेस है, वो यहाँ पर तैनात है। दिल्ली पुलिस की फोर्सेस लगातार यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। आपको बता दूं फोरेंसिक जांच टीम अंदर है, बम डिटेक्शन की टीम अंदर है, साफ सफाई भी की जा रही है। अभी लाल किले की जो एक तरीके से अंदर की साफ सफाई हमेशा होती थी, वो अब शुरू हो गई है, क्योंकि कल जिस तरीके से लाल किले को रोता गया था ट्रैक्टर से, आज उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। और आपको थोड़ा सा घुमा के मैं रितिका दिखा देता हूँ, राजू थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर वाटर कैनन, दिल्ली पुलिस की जो बसेस है 20,000 लीटर की, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा तमाम जो एंटी रॉयट्स वज्र वाहन दिल्ली पुलिस की, वो मौजूद है। तो रितिका लगातार आप यहाँ पर देख रही है कि किस तरीके से कि दिल्ली पुलिस अब अलर्ट हो गई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिरकार में दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस और LIU कल क्या कर रही थी, कल उनके पास ये खबर क्यों नहीं थी? बिल्कुल, और देखिए घोर लापरवाही लगातार यहाँ पर पुलिस टीम की तरफ से देखने को मिली है, क्योंकि इनपुट्स जब लगातार आंदोलन की शुरुआत से ही मिल रहे थे, तो उन इनपुट्स को इतना हल्के में क्यों लिया गया। अभी फिलहाल लाल किले की बात की जाए तो यहाँ पर साफ सफाई का काम जारी है, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि कल जिस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी, उपद्रव मचाया गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लाल किला जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर तस्वीरें जो देखने को मिली थी, अब वहाँ पर साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। आप देखिए डिप्लॉयमेंट के साथ साथ इस प्रांगण को, इस परिसर को साफ करने की रोक रही हूँ। आपको बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, आपका रुख दोबारा करूंगी, लेकिन अहम खबर जो इस वक्त की मिली है वो दर्शकों को बता दें, कल की हिंसा में 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आंकड़ा फिर से सुनिए, 300 पुलिसकर्मी कल की हिंसा में घायल हो चुके हैं। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के इस पूरे केस की अब जांच करती हुई नजर आएगी। CCTV की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है, पहचान की जा रही है। लाल किला, नांगलोई और इसके अलावा मुखरबा के CCTV खंगालने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे सबसे दुखद बात यह है कि 300 पुलिसकर्मी इस पूरे कल के हिंसा में घायल हुए हैं, और किस तरह से घायल हुए हैं वो आप देखिए। इन्हें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, किस तरह से आप देखिए, लाल किले की इस प्राचीर से ये कम से कम 20 से 25 फीट ऊंची दीवार होगी, और एक एक करके नीचे गिरते चले गए जवान, हमारे नीचे गिरते चले गए। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो आप देखिए किस तरह से उन्हें मारा गया, और मजबूरी में, विवशता में उन्हें नीचे छलांग लगानी पड़ी। अब ये 25 फीट की अगर दीवार है और वहां से कोई नीचे छलांग अगर लगाएगा तो आप समझिए किसी का हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, और इन जवानों की जिंदगी की कीमत क्या कुछ भी नहीं है। 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, और कल से लेकर के अब तक ये आंकड़ा बार बार बढ़ा है, बार बार बढ़ा है ये आंकड़ा। किसान आंदोलन अपनी जगह, लेकिन वो जवानों की कीमत, उनकी जान की कीमत पर नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए मेरे साथ। कल दिल्ली पुलिस ने पूरा हौसला दिखाया, पूरी हिम्मत दिखाई, और पूरी शांति के साथ पूरे आंदोलन को और इस हिंसा को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अगर आप मारिए तो किसानों को मारा गया, छूट अगर मत दीजिए तो लोकतंत्र की हत्या है, छूट दे दीजिए तो हुड़दंग होती है, मार दीजिए तो किसानों के ऊपर बल प्रयोग हुआ। ये दोहरा चरित्र है, आगे भी ये किसान मानेंगे नहीं, और इसीलिए पूरा इंतजाम जरूरी है। छोड़ा